राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी रेसिपी आंवले की बर्फी की। ये इतनी टेस्टी बनने वाली है, बड़े तो बड़े बच्चे भी मांग के खाएंगे। तो हमने ये आधा किलो आंवला ले लिया, इसको धो के अच्छे से मैंने साफ कर ली थी। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसमें बताया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से आसान और हेल्दी रेसिपी लेकर आते रहें। तो इधर हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया था, उसमें पानी रख दी हूँ। पानी मेरा उबलने लगा है और मैं इस तरीके से एक जाली वाला थाली ले रही हूँ। तो इसी के ऊपर हम आंवले को रख देंगे ताकि आंवला अच्छे से उबल जाए। इसको अच्छे से उबालना है, बिल्कुल कच्चा नहीं रखना है। तो हम इस तरीके से जाली वाले थाली पे सारे आंवले को रख देंगे। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही फायदेमंद है। तो इस तरीके से हमने रख के इसे ढक दिया है एक बर्तन से, इसे इस तरीके से कवर कर देंगे और इसको छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट में अच्छे से उबल जाता है आंवला। तो इधर मेरा आंवला उबल गया था, आप देखो। तो इसे हमने उतार लिया था गैस से और देख लो, ये इसका उबलने का एक ही पहचान है कि ये ऐसे जो इसके ऊपर निशान बने होते हैं वो खुल जाते हैं। तो इस तरीके से ये देखो, एकदम आराम से ये निकल जा रहा है, बहुत ही इजीली निकल जाता है। तो इस तरीके से हम सारे आंवले को निकाल लेंगे और उसकी गुठलियों को साइड कर देंगे। आप देख सकते हो उबलने के बाद ये कैसे मतलब बिखर सा जाता है इस तरीके से, और आराम से इसे निकाल आप सकते हो। तो हम इस तरीके से सारे आंवले को निकाल लिए हैं, गुठलियों को साइड कर दिए हैं। और ये ऐसे हो जाता है गुठलियां निकालने के बाद, इसका कलर भी बहुत ही सुंदर लगता है। और ये सारे इसके जो बीज थे वो निकल चुके हैं। तो अब इसके लिए हम ले रहे हैं एक मिक्सी का जार और हम इसको उसी में डाल देंगे। इसको हमें पानी डाल के नहीं पीसना है, अगर ना पीसे तो 1 से 2 चम्मच ही डालेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में। तो इसमें बिना पानी डाले मैंने बहुत ही बारीक पेस्ट बनाया है, बहुत ही बारीक, बिल्कुल दरदरा पेस्ट नहीं बनाना है। और इधर मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी थी तो वो गर्म हो गया है, इसमें कुछ नहीं डाले हैं हम। तो बस इसी तरीके से कढ़ाई में इसको निकाल लिए हैं, क्योंकि ये खुद अपने आप में इतना ही पौष्टिक और होता है कि इसमें कोई और चीज मिलाने की जरूरत नहीं है। भाई इसमें मैं आधा चम्मच काला नमक मिलाई हूँ, जिससे टेस्ट अच्छा लगेगा, खट्टा मीठा चटपटा सब रहेगा। तो इस तरीके से अब इसे लगातार चलाते हुए हम गैस पे पकाएंगे। और गैस का फ्लेम अभी शुरू में हमने हाई किया है, बाद में इसको हम लो कर देंगे। तो इस तरीके से अब इसे लगातार चलाते रहना है ताकि ये अच्छा सा हो जाए। ये जितना पकता है उतना ही इसका कलर चेंज होते जाता है। अभी देखने में ये व्हाइट लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा वैसे ही इसका कलर बहुत ही सुंदर आता है। अब ऐसे ही इसे हम चलाते चलाते कुछ देर पकाए हैं, उसके बाद अब इसी में हम चीनी डाल देंगे। तो मैंने 1 कटोरी 200 ग्राम इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ ताकि इसका कड़वाहट थोड़ा सा कम हो जाए और ये बहुत ही अपने आप में टेस्टी बन जाएगा। तो इस तरीके से हम चीनी डालने के बाद भी इसे चलाते रहे इस तरीके से, और लगातार चलाना है नहीं तो ये नीचे पकड़ने लगेगा। चलाते रहेंगे और धीरे धीरे इसका कलर बिल्कुल चेंज होते जा रहा है, आप देख सकते हो। तो ये इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया और कितना सुंदर कलर आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसे चलाते रहे हैं। और अब इसी में हम डाल देंगे इसको ठीक करने के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, ज्यादा नहीं, हमने बस छोटे वाले चम्मच से 2 चम्मच ली ही लिए हैं। और इसी में थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बना देंगे, इसमें मतलब बिल्कुल कोई लम्स और गुठलियां ना हो। तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे और इसका घोल बना लेंगे। इसको डालने से उसमें थिकनेस आ जाती है, नहीं तो ये बहुत ही पिघला पिघला सा होता है। तो आप चाहो तो इसे डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा ज्यादा टाइम आपको गैस पे इसे पकाना पड़ेगा। तो ये मेरा घोल तैयार हो गया है, अभी जो आंवला पका रहे हैं अब उसी में हम इसको डाल देंगे। इससे अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है इसमें। तो अब इसी के ऊपर हम इस घोल को इस तरीके से डाल देंगे और डालने के बाद इसे अच्छे से चला देंगे ताकि ये बढ़िया से मिल जाए। तो इसको डालने के बाद ये और भी सुंदर कलर आ जाता है इसमें,
तो इसको हम लगातार चलाते रहते हैं डालने के बाद, और जितना ही चलाएंगे वैसे धीरे धीरे ठीक होते जाता है। तो आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा, इसमें का जितना भी पानी था वो सारा निकल चुका है, आप देख सकते हो जल गया है इसमें। तो इस तरीके से एकदम ये ठीक हो गया है, तो इसका मतलब है कि अच्छे से ये पक के तैयार हो गया है। अब इस तरीके से ही होना चाहिए, तभी हम इसको बर्फी बना पाएंगे। तो अभी बढ़िया से तैयार हो गया था, तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि ये इकट्ठा होने लगा है। तो जब ये इकट्ठा होने लगता है तब इसका यही पहचान है कि ये बढ़िया से हो गया है। अब एक मैं छोटी सी थाली ले ले रही हूँ, आप देख सकते हो। अब इसी में मैं एक बटर पेपर को लगा दूंगी, क्योंकि इसमें आसानी रहता है इसे निकलने में। तो अब बटर पेपर के ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगा दे रही हूँ, ग्रीस कर दे रही हूँ, ताकि ये आराम से निकल जाए, बिल्कुल चिपके ना इस पे। तो आप देख सकते हो घी हमारा लग गया है। अब इसी पे जो हमने आंवले को तैयार किया है, इसी पे हम निकाल लेंगे इस तरीके से। और निकालने के बाद इसे हम अच्छे से फैला लेंगे एक बराबर करके। तो इस तरीके से आप आराम से इसे फैला लीजिएगा। ये गर्म जब रहे तभी ये काम करना है, ठंडा होने के बाद ये टाइट हो जाता है, तो इजीली फैलता नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से फैला के और चिकना कर लिए हैं ऊपर से। ये बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है। अब इसको हम रख देंगे 20 मिनट के लिए फ्रिज में, ये अच्छे से सेट हो सके। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है फ्रिज में रखने के लिए। अब इसको हम फ्रिज में रख दे रहे हैं 20 मिनट के लिए। अब मैं फ्रिज से जब निकाली हूँ तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया, आप देख सकते हो, बिल्कुल हाथों में नहीं लग रहा है, एकदम बढ़िया से। ये देख लो आप, मैं इस तरीके से भी करके दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया से ये सेट हो चुका है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर से हम इस तरीके से हाथों से प्रेस करके और इसको निकालेंगे, तो ये इजीली निकल जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब इस पेपर को हम निकालेंगे आराम से, तो ये पेपर भी आराम से छोड़ देगा, क्योंकि हमने इसमें घी लगा के रखा है। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से इसमें से पेपर भी निकल चुका है, और इसका कलर देख लो आप, कितना सुंदर लग रहा है। ये बहुत ही बढ़िया है और इतना टेस्टी बना है, कह रहे हैं कि बड़े तो बड़े बच्चे भी मांग के खाएंगे, और सबसे ज्यादा बच्चे ही खा के इसे खत्म करेंगे, ये इतना टेस्टी होने वाला है। तो आप इस तरीके से जरूर एक बार बनाइएगा। और अब इसको हम काट लेंगे, तो आप देख सकते हो कितना इजिली ये कट रहा है। तो इस तरीके से हम सारे बर्फी को काट के तैयार कर लेंगे। फ्रिज में रखने से ये सेट हो जाता, आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये बनके तैयार हो चुका है, और बहुत ही फायदेमंद है। आंवले तो हर लोग को खाना ही चाहिए, और बच्चों को भी अगर खिलाना है तो आप इस तरीके से जरूर बनाइएगा, बहुत ही आसान तरीका है, और इससे बच्चे बड़े सब बहुत ही पसंद करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हम आपके लिए इसी तरीके से आसान और हेल्दी रेसिपी लाते रहेंगे। हमारे इस चैनल पे आपको हर रेसिपी बहुत ही हेल्दी और आसान तरीके से बताई जाती है, और घर के बेसिक चीजों से हम रेसिपी को बनाते हैं। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया से ये बन के तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट ये बन के तैयार हो जाता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।